आइडिया पे चले जाएगा, और जब वो स्टार्टअप आइडिया पे चले जाएगा तो उसके बाद आपका स्टार्टअप अगर 100 मिलियन क्रॉस करता है तो फिर वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। अच्छा बताना चाहूँगा आपको कि पाकिस्तान में स्टार्टअप आइडियाज लोगों के पास है मगर उस अप टू द मार्क नहीं है, उस लेवल पे नहीं जा पाए। मगर जो इंडिया है वो स्टार्टअप के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, वहाँ यूनिकॉर्न ब्रांड्स बने हुए हैं, वहाँ 100 मिलियन तो क्या उससे भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस करके लोग बैठे हुए हैं। और ये वजह के शार्क टैंक जैसे जो इदारे हैं सोनी पे और दूसरी जगहों पर चल रहे हैं और लोगों के बिजनेस आइडियाज़ आते हैं और काम हो रहा होता है। पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है, बांग्लादेश में भी बहुत कम है, श्रीलंका में भी ना होने के बराबर है। तो ये स्टार्टअप और बिज़नेस का फ़र्क है जो कि मैंने आपको बताया, और यकीनन ये बिज़नेस का फ़र्क आपके जो लोग हैं उन तक भी ये जाएगी बात, तो यकीनन आपको मुस्तफ़ीद होंगे आपके लोग और आप भी। अच्छा बाद में करूँ स्टार्टअप की, आपको मैंने स्टार्टअप का फ़र्क बता दिया। मैंने आपको स्टार्टअप का फ़र्क बता दिया, स्टार्टअप बिज़नेस का फ़र्क। तो जो कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा है प्रोग्राम है वो एक्चुअली है क्या और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किससे आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम आगे बात करते हैं। कनाडा का जो स्टार्टअप वीज़ा है इस पर बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप वीज़े को इख्तियार करके कनाडा में अप्लाई किया है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक यहाँ जो पॉइंट सिस्टम का जो तलाक होता है ना वो नहीं होता। तो नॉर्मली इमिग्रेशन में होता है पॉइंट सिस्टम होता है कि भाई मास्टर्स कितने पॉइंट, आईएलटीएस कितने पॉइंट, इसमें ऐसा नहीं है, ना ही इसमें कोई एक्सपीरियंस एजुकेशन या जॉब की कोई शरारत है और ना ही इसमें कोई उम्र की कैद है। तो इतना आसान और इतना अच्छा प्रोग्राम है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम जो कि हर वो इनोवेटिव बंदा कर सकता है अप्लाई, जिसको पता है कि मैं बिज़नेस को स्टार्टअप कैसे बना सकता हूँ और वो स्टार्टअप जो है वो इन कनाडा के अंदर कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है कनाडा और कैनेडियन आवाम के लिए। तो जो कनाडा है इसका जो स्टार्टअप वीज़ा है इसके लिए एक सबसे मेन एम जो चीज़ है ना वो है इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई हद नहीं है। नॉर्मली वीज़ा में होती है 40 साल 42 साल, इसमें ऐसा नहीं है। मगर अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वही कर सकते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक कोई ऐसा बिजनेस आइडिया हो जो इनके मुताबिक कनाडा की मार्केट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को पता है और मैं आपको बता भी देता हूँ कि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के लिए कम पैसे दरकार होते हैं जबकि बिज़नेस वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। स्टार्टअप वीज़ा इन दोनों के बीच का रास्ता है, यानी जो एक्सप्रेस एंट्री है और जो बिज़नेस वीज़ा है इसके दरमियान का जो रास्ता है वो स्टार्टअप वीज़ा का, उसको हमने नाम दे दिया है और उसको हमने बता दिया कि ये किस तरह इजी है इन दो वीज़ों के हवाले से। हर साल इंडिया और पाकिस्तान से और सऊदी अरब और बांग्लादेश श्रीलंका से हज़ारों लाखों लोग बेहतर मौके और रोशन मुस्तकबिल के लिए अमेरिका कनाडा और यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं, इसलिए इन ममालिक में इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा के कवानीन में किसी भी तब्दीली या किसी नए प्रोग्राम के तआरुफ़ यानी इंट्रोडक्शन पर गहरी नज़र रखी जाती है। जैसे कनाडा में रवा माह वर्क परमिट के कानून में तब्दीली की है, कैनेडियन हकाम ने कोविड दौर में लेबर मार्केट में मांग बढ़ने की बायस 18 माह तक वर्क परमिट में तौसी की थी जिसे अगले साल जनवरी से ख़त्म किया जा रहा है, यानी 2025 की अगर बात करूँ तो जनवरी से ख़त्म हो रहा है कि अगर एक समय आप विजिट वीज़े पर जाते थे तब वर्क वीज़े पर अप्लाई करते थे और आपका वर्क वीज़े विजिट वीज़ा वर्क वीज़े पर कन्वर्ट हो जाता था, ये जो पॉलिसी आई थी कोविड के दौरान आई थी। इसके बाद से कनाडा के ऐलान करते स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के बाद माहरीन एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इन बासलाहियत गैर मुल्कियों के लिए है जो कनाडा में अपना छोटा कारोबार या स्टार्टअप कायम करना चाहते हैं। कारोबार बिजनेस और स्टार्टअप का मैंने फ़र्क बता दिया आपको।